मुंबई का टॉप ट्रेंडिंग फालूदा जो कि बाबा फालूदा है, माहिम, कुदला, मीरा रोड एंड थाने और जोगेश्वरी, उसके बाद बाबा फालूदा ओपन होने जा रहा है भाई लंदन में। ये पूरी सीरीज देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो माशाल्लाह आज मैं आया था माहिम शरीफ मखदूम शाह बाबा की बारगाह में। और अगर माहिम आते हो और बाबा फालूदा नहीं आते हो तो फिर भाई क्या मतलब है। बाबा फालूदा एक ऐसा टॉप ट्रेंडिंग फालूदा आउटलेट बन चुका है कि भाई हर मुंबई गर्ल्स की फालूदे में मैं कह सकता हूँ कि पहली पसंद जो है बाबा फालूदा है। तो आज बाबा फालूदा आए, यहाँ पर क्या क्या मिलता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज बाबा फालूदा के ओनर जो ये इस आउटलेट को और तमाम बाबा फालूदा को रन करते हैं, उनकी जो लाइफ जर्नी है, किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी, आज मुंबई में और मुंबई के एतराफ़ में कहां कहां पे इनके आउटलेट है, वो सारी बातें, और अपकमिंग इंटरनेशनल लेवल पे कहां कहां बाबा फालूदा खुलने जा रहे हैं, ये सारी बातें उनसे होंगी। और जो लोग यहाँ पर बाबा फालूदा खाने आते हैं या पीने आते हैं, उनसे भी रिव्यू लिया जाएगा कि भाई आप बाबा फालूदा स्पेशली क्यों आते हो, कहाँ से आते हो और आपको कौन से फ्लेवर पसंद है। तो माशाल्लाह आज की जो लाइफ जर्नी है बाबा फालूदा की, जिनके बारे में कई लोग कई अलग अलग स्टोरी सुनाते हैं, मगर जो आज की स्टोरी होगी खुद उनकी ज़ुबानी होगी, तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और बाबा फालूदा लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक बाबा फालूदा का जितना भी हम वीडियो देख रहे थे ना, तो सारे यूट्यूबर्स आ रहे थे बाबा फालूदा में ये मिलता है वो मिलता है, सब अपनी जुबानी अपनी कहानी और अपनी अपनी स्टोरी सुनाते थे। अल्लाह का बड़ा एहसान है। और स्पेशली फैसल सारंग भाई, एक अपने अलग बकरेबाज भाई, जिनके रेफरेंस से आज का ये वीडियो बना रहे और लाइफ जर्नी जो है बाबा फालूदा की हम वो कवर करेंगे। तो बाबा फालूदे में क्या मिलता है, हम क्या काम कर रहे हैं, उसमें बात में आते हैं। इरफान भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना कि शुरुआत कहाँ से होती है बाबा फालूदे की, ये जर्नी की जो शुरुआत है जो आज लाखों लोगों के दिल में बस चुका है कि फालूदा पीना है, तो हम मुंबई के कोई भी कोने में रहते हैं मगर हमें बाबा फालूदा ही जाना है, तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? ये माइंड से स्टार्ट होती है जर्नी। उसको 40 साल हो गया है अल्लाह का शुक्र है बहुत, समझे। फिर आहिस्ते आहिस्ते एक कुरला हुआ, फिर जोगेश्वरी हुआ, फिर थाना हुआ, फिर मीरा रोड हुआ। अभी इंशाल्लाह लंदन के लिए 13 तारीख की ओपनिंग है इंशाल्लाह। लंदन में भी हम ओपन करेंगे इंशाल्लाह, ये 13 तारीख को इंशाल्लाह वहाँ पे बिस्मिल्लाह हो जाएगी। तो उसका भी नाम बाबा फालूदा होगा या बाबा फालूदा इंटरनेशनल होगा? नहीं नहीं, बाबा फालूदा इंशाल्लाह, बस बाबा फालूदा ही है। और उसका मैंने इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल तो ऑटोमेटिक हो गया ना, जो लंदन में ओपन हो रही है, तो उसपे कुछ भाइयों के फनी कमेंट भी आए थे और कुछ लोगों ने तारीफ भी की, और कुछ लोगों के मुंबई के नौजवानों के ये कमेंट है कि भाई लंदन वाला जो बाबा फालूदा है वहाँ नौकरी मिल सकती है क्या? इंशाल्लाह आगे कोशिश देखेंगे क्या हो सकता है, तो आगे ब्रांचेस खोलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह 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 जरूर देखेंगे। क्योंकि मोस्टली जो होता है मुंबई और इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और जब बाबा फालूदा के आंगन में काम कर रहे हैं, मतलब अपने किसी मुंबई के भाई के साथ ही काम कर रहे हैं, तो शुरुआत के दिन कैसे थे? मतलब अपनी सोच थी क्या पूरे मुंबई में, थाना में, मीरा रोड में, उसके बाद में लंदन था, पहले ये विजन था क्या जब हमने खोला था बाबा फालूदा की शुरुआत हुई थी? तो छोटा सा विजन था, फिर अल्लाह ने उसको बड़ा करा दिया कि अल्लाह का शुक्र और क्या, मेहनत करना हमारा काम है, देना नहीं देना उसका काम। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज मैं देखता हूँ, आज भी मेरे को जो मेरे बचपन वाले स्टाफ है, आज भी मोस्टली उसमें से सारे स्टाफ बाबा फालूदा के काउंटर पे दिख रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो ओनर्स है बाबा फालूदा का और उनका और जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का रिलेशन बहुत जबरदस्त है। कोशिश में बाबा फालूदा की जो शुरुआत हुई थी, हम कितने टाइप के फालूदे तभी सर्व करते थे? बस ये सारे सारे फालूदे जब ये सारे स्टार्ट से ही जर्नी में स्टार्ट से, उससे रबड़ी फालूदा ऐड हुआ, फिर नए नए फालूदे जैसे ग्रीन पिस्ता हुआ, चॉकलेट्स हुआ, ये सब नए 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 न्यू एडिशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कुदला जाते हैं अतर भाई के वहाँ पे, जो कुदला वाला बाबा फालूदा है,
वहाँ का पिस्ता मैंने भाई 3 से 4 बार ट्राई किया और वो सबसे जबरदस्त है। और माहिम में जब मैं आता हूँ स्पेशली काजू किशमिश अपना फेवरेट है। अब इरफान भाई का फेवरेट कौन सा? ये सारे फालूदे सारे 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 हमारे फेवरेट है, सारे फेवरेट, इसीलिए तो मेनू पे हो। अच्छा क्या बात है, तो बाबा फालूदा बहुत जल्दी लंदन में भी आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद थोड़ा सा काउंटर की तरफ चलते, आपका मेनू क्या है, थोड़ा सा लोगों से पूछते वो बाबा फालूदा क्यों आते, और आपने जो इतने बिजी शेड्यूल में अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी रोजी में खूब खूब बरकत दे। मेनू तो माइक किसी के भाई के कॉलर में लगा दिया ना, कुछ लोग बोले ये जबरदस्ती आप प्रमोट कर रहे हो, माइक इजाजत लेके लगाए हो क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है, आवाज क्लियर नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई? अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट, और फालूदा पीने स्पेशली माहिर? यस यस सर। कितने साल से आ रहे हो? मैं काफी टाइम से आता हूँ सर, यस तो नहीं याद है पर काफी टाइम से आता हूँ, बस यहाँ पे आता और कहीं नहीं आता। बाबा फालूदा तो बस बाबा फालूदा भी है सब जगह है, बस भाई यहाँ का टेस्ट ही अलग है भाई, वहाँ भी सेम लेकिन यहाँ पे जो मजा है सरकार का साना मुबारक भी है और बाबा फालूदा भी आ जाता है। भाई भाई तो आपका फेवरेट कौन सा फ्लेवर है भाई? सर केसर पिस्ता है, रबड़ी फालूदा है। यस देखिए भाई माशा, देखिए आप अकेले हजम कर लोगे भाई? नहीं भाई मेरी मिसेज भी आई है साथ में, क्या बात, उनके साथ आया हूँ। तो इसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती है भाई? 270 270 में, मगर ये 3 लोगों के लिए डेजर्ट इनफ है भाई, आराम से आराम। एक बार दिखाता हूँ माशाल्लाह, कह देना भाई नजर मत लगाना, ये बहुत बड़ा बाउल है और बहुत जबरदस्त स्टफ है, तो आप एंजॉय कीजिए। शुक्रिया बाबा फालूदा भाई, चलता और किसी फालूदे के दीवाने के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा फालूदा का काउंटर है भाई, और माशाल्लाह स्टाफ देखिए यहाँ पे कितने आप, और अभी काफी लेट हो चुका है तो ये गर्दी दिख रही है आपको। अगर आप यहाँ शाम के टाइम आओगे और फेस्टिवल सीजन में स्पेशली ईद बकरा ईद नवरात्रि दिवाली जो भी ओकेशन होते हैं, बाबा फालूदा एक ऐसा है कि भाई कोई भी रिलीजन के फेस्टिवल हो मगर लोग यहाँ पे आके फालूदा भाई लेना पसंद करते हैं भाई। माशाल्लाह कंटिन्यू मेकिंग चलती है, ये बाहर का स्टाफ है, बाहर कस्टमर है और ये मेकिंग अंदर चल रही है भाई, अंदर आप क्राउड देख सकते हो भाई, तो कंटिन्यू। और ये सब अभी जो काउंटर पे दिख रही है नवी पीढ़ी है भाई, जो बाबा फालूदा के साथ कंधे से कंधा मिला के अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है भाई। इनके काफी फालूदा सारे ही स्पेशल है भाई, मगर जो अपना स्पेशल है भाई वो है काजू किशमिश और उसके बाद में पिस्ता। ये कंटिन्यू मेकिंग इसी तरह चलती रहती है भाई, नॉन स्टॉप फालूदा बनता रहता है। बाजू वाले शेड में एक भाई इनकी जो शॉप है ना उसमें 8 से 10 लोग सिर्फ आइसक्रीम कटिंग का काम करते हैं। न्यू अराइवल में बाबा फालूदा बाबा शौरमा भी लेके आ गए भाई, मतलब आप फैमिली के साथ आते हो तो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, माहिम तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई नेमत है। और जो बाबा फालूदा सर्व करने का तरीका है वो आप देख सकते हो भाई, टोटल डिस्पोजेबल पे काम करते हैं भाई, यूज एंड थ्रो सीधा, और इतने संभाल के चीज दी जाती है कि कस्टमर तक वो प्रॉपर पहुंच जाए भाई। ये कौन सा फालूदा है भाई? मिक्स आइसक्रीम फालूदा है। आपका फेवरेट कौन सा है? सभी फालूदा, सभी नहीं, कोई अगर एक खाना है तो आप कौन सा खाओगे? ग्रीन पिस्ता फालूदा। ग्रीन पिस्ता मेरा भी फेवरेट है यार, क्या बात बोले हो। तो भाई टोटल अनकट वीडियो अपन बना रहे हैं, माशाल्लाह कस्टमर आप लोग देख सकते हो यार, कंटिन्यू यहाँ पे जो फालूदा लवर्स है ऑल ओवर मुंबई से भाई, बाबा फालूदा भले ही माहिम के बाद थाना में खुल गया है, मीरा रोड में खुल गया है, जोगेश्वरी वेस्ट में है, कोदला में है, बट जो एक लोग है ना भाई उनका तो यही कहना है कि भाई हम आएंगे तो भाई माहिम वाले स्टॉल पे आएंगे, माहिम वाले ही शॉप पे आएंगे। सर एक सेकेंड, कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहता हूँ विरार में। विरार में रहते हो? और मैं यहाँ आया हूँ महीम में रेल के पास और ये लेके जा रहा हूँ और विरार। तो ये आप रेगुलर क्लाइंट हो यहाँ के? अफकोर्स, माहिम की जगह पे आता हूँ और मैं माहिम में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ और बाबा फालूदा इसको बोल। तो आपने आज क्या क्या लिया है घर के लिए? 4 फालूदा लिया है। कौन से वाले? आई डोंट नो, जो उन्होंने दे दिया आपने वो ले लिए और उन्होंने तारीफ किया। अच्छा भाई, तो माशाल्लाह आप जा रहे हो ये विरार लेके, अभी विरार जाएंगे, क्या बात है, आपका सफर आसान हो और बाबा फालूदा जरूर एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उस पर कमेंट करना, बाबा फालूदा आज वाला आपको कैसा लगा। तो भाई यार ये चीज बाबा फालूदा ने कमाई है भाई, जो इनके क्लाइंट है वो कहीं नहीं जा सकते भाई, एक अलग दीवानापन है इनके फालूदे, मतलब जहां नजर पड़ेगी ना भाई, मुंबई का एक कल्चर है ना, रात में अगर दोस्त लोग घूमने भी निकले तो कंटिन्यू भाई यहाँ वहां घूम रहे तो चलो भाई एक होल्ड बाबा फालूदा पे भी ले लेते हैं। और माशाल्लाह ये जो कस्टमर का क्राउड है भाई ये कंटिन्यू चलता ही रहता है।
तो भाई कुछ भाई लोग अपने और खड़े यहाँ पे, इन लोगों से रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या के रहने वाले भाई आप? भाई धारावी। आप धारावी के हो और बाबा फालूदा कितने साल से आ रहे हो? भाई जब से चालू है तब से पी रहे हैं। मतलब बचपन अपना चले गया। पेट भर रहा है, मन नहीं भर रहा है। और आपका फेवरेट कौन सा है बाबा फालूदे में? बाबा स्पेशल। कितने का आता है वो? 360 रुपए कुछ आता है एक फालूदा। एक फालूदे का भाई। और वो खाने के बाद हिम्मत बचती है अपने अंदर की और कुछ खाना चाहिए? और एक खाने का दिल करता है। और एक खाने का। और ये ग्लास तो आपने एकदम धोने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से खाए। तो ये जो पूरा फ्रेंड सर्कल है आप लोग सब साथ में ही आते रहते? धारावी में कहाँ रहते हो? 90 फीट रोड पे रहते हो। ओके, तो मजा आता है, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। जरूर आना चाहिए भाई। और आपको पता है अभी मीरा रोड, माहिम, कोदला, उसके बाद में बाबा फालूदा खुलने जा रहा है लंदन में। जी जी जी। और 10 या 15 दिन में ही लंदन में अभी ओपनिंग है बाबा फालूदा। अच्छा, की अच्छा। तो आप लोग भी रब ताला की बारगाह में दुआ करें कि भाइयों की रोजी में अल्लाह खूब बरकत दे ना भाई। और अच्छा जायका तो पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। जरूर जरूर भाई। यहाँ पे और एक ग्रुप खड़ा है भाई, फालूदा के दीवाने लोग। सर कहाँ से आए हो आप लोग? बम्बई दोटाकी से आए हो। तो थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूँ, ये भाई लोग शर्मा रहे। रेगुलर आते हो बाबा फालूदा? जब दिल करता है फालूदे का तभी आते हैं। और आप लोग का फेवरेट कौन सा है बाबा फालूदे में? बाबा स्पेशल। तो भाई कंटिन्यू ग्लास। यहाँ ये नहीं चलता है ना भाई कि भाई तू नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा। जितने लोग आएंगे सब खाएंगे। पेट भरता है, मन नहीं भरता है। भाई को जानते हो? किसको भाई? को पप्पू भाई, जूस वाले जो यहाँ काम करते हैं। नहीं यार, मैं भी बम्बई में नया हूँ, मैं वीडियो बनाने आया हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। मैं भी बाबा फालूदा आता हूँ तो जो अच्छी चीज है वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए ना भाई। तो हमेशा आप लोग आते रहते हो। और बाबा फालूदा भी कहाँ खुलने जा रहा है इसके बाद में? आप लोग को किसने बताया? वो भी लंदन जा रहा है। क्या बात है भाई। फिर आप लोग भी फटाफट इंटरव्यू दो और आप लोग भी लंदन जाओ, फुल मजे करो, है ना भाई। तो ये कुछ भाई लोग और मिले भाई जो फालूदे के एक्सट्रीम दीवाने लग रहे। सर आपका नाम क्या है? अक्षय पवार। अक्षय भाई कहाँ रहते हो आप? मैं चेंबूर में रहता हूँ। चेंबूर से फालूदा खाने यहाँ आए हो? हाँ, मैं महीने में एक बार तो इधर आता हूँ बाबा फालूदा खाने। बाबा और भाई भी आपके साथ है? हाँ, भाई को फर्स्ट टाइम लेके आया आज। पहले भाई का थोड़ा रिव्यू लेता हूँ फिर आपके साथ। आपका नाम क्या है सर? अक्षय। अक्षय भाई फर्स्ट टाइम आए हो बाबा फालूदा? राइट। और आपका आपने क्या ऑर्डर दिया था? आपने उनका बाबा स्पेशल। कैसा लगा आपको टेस्ट? अच्छा है टेस्ट। आपको लगता है ये खाने के बाद आप और कुछ खा पाओगे? नहीं, मगर ये ऐसा है कि भाई अब जब आपको फालूदे की क्रेविंग होगी आप इंशाल्लाह बाबा फालूदा जरूर आओगे, क्योंकि इनका आपको कैसा लगा पहले? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। थैंक्स अ लॉट सर। आपके पास आता हूँ। आप कभी से आ रहे हो? मैं अभी 4 साल हो गए मैं बाबा फालूदे के पास। बाबा फालूदा तो आपके किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था? हाँ, दोस्त ने सजेस्ट किया था, उसने एक बार लेके आया था तो मुझे उसके बाद पसंद है। तो महीने में 1-2 महीने में मैं एक बार आता हूँ बाबा फालूदा खाने। और बाइक से आए होंगे आप लोग? बाइक से आए। तो चेंबूर से माहिम कितना किलोमीटर है? 8-9-10 किलोमीटर होगा। अभी बाबा फालूदा इंटरनेशनल भी होने वाला है, आपको पता ही है ये तो बात। अभी लंदन में बाबा फालूदा बस थोड़े ही दिनों में ओपन होने जा रहा है। तो अगर आपके कोई पहचान के लोग लंदन में रहते तो उन्हें भी आप बताइए कि अब मुंबई का स्पेशल बाबा फालूदा लंदन में आ रहा है, और एंजॉय कीजिए बाबा फालूदे को भाई। और एक ग्रुप मिला है भाई जिसमें से कुछ लोग तो मुझे मुंबई के पर्सनली नहीं लग रहे भाई, कि सारे लोग मुंबई के? हम दोनों मुंबई के। और बाकी वो भाई और ये भाई मुंबई के नहीं है, वो थोड़ा सा चेंजेस लग रही है। आपका नाम क्या है सर? मुस्तफा। मुस्तफा भाई कहाँ के रहने वाले हो? भाईकला। भाईकला से बाबा फालूदा आने की रीजन क्या है? द टेस्ट, द क्वालिटी। हम लोग रात पे जगे हैं फिर भी हम आए हैं बिकॉज़ इट्स रियली टेस्टी। नाइट आउट हो रहा है तो बाबा फालूदा मुस्तफा भाई को आना ही है। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप लोगों ने क्या क्या ऑर्डर दिए? वी हैव ऑर्डर्ड फॉर ग्रीन पिस्ता एंड फॉर द बाबा फालूदा स्पेशल। बाबा स्पेशल। और आपका फेवरेट कौन सा है दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना है तो? बाबा स्पेशल ऑलवेज। तो आप लोगों ने यार भाई 4 लोगों में सिर्फ 2 फालूदा ऑर्डर किया, क्यों? बिकॉज राउंड 2 इज गोना कम आफ्टर दिस। अच्छा, इसके बाद एक राउंड और होने वाला है। आपसे मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? आपका नाम क्या है? रुचिका। रुचिका जी, बाबा फालूदा पहले भी आप आए हो? नहीं, पहला टाइम है। पहला टाइम है। और ये बम्बई के कल्चर में भी एक चीज आ गई है कि मेहमान नवाजी के लिए, जैसा हर जगह लोग घुमाते हैं ना अपने मेहमानों को, तो एक कल्चर में एक चीज आ गई है मुंबई कर से कि भाई चलो बाबा फालूदा भी और अपने मेहमानों को फालूदा खिलाया जाता है। आप इंजॉय कीजिए और फिर रिव्यू देना मुझे। पहला बाइट कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा था। आप कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से हो? हैदराबाद तो ऐसी फूडी लोग के लिए जानी जाती है जगह। तो पहले स्पून में मजा आ गया आपको? मजा आ गया। तो एंजॉय कीजिए, ठीक है भाई।
तो कुछ अभी लोग मिले ना भाई, जो प्रॉपर हम कह सकते कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, दोस्ती यारी अभी भी चल रही है और रात की महफिल है तो बाबा फालूदा आना है। आपका नाम सर? मिनाज। मिनाज भाई हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जोगेश्वरी। जोगेश्वरी में भी तो बाबा फालूदा है ना सर? हम यहाँ से बॉम्बे से आ रहे थे ऑन द वे था, तो रुकना है और बाबा फालूदा हमें चाहिए ही चाहिए ऐसा वाला। और आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो? हम तो आ रहे हैं, मतलब साल में एक दो बार तो आ ही जाते हैं। मतलब जब ये साइड से गुजर रहे तो फालूदा यहाँ का ट्राई करना ही चाहिए। करना में करते हैं। अभी क्या करते हैं? जोगेश्वरी में ट्राई करते हैं। जोगेश्वरी में ट्राई करते हैं, लेकिन बॉम्बे से आ रहे तो रास्ते में इधर। तो आपने क्या ऑर्डर किया था? मिक्स मलाई कुल्फी हाँ। और स्पेशल बाबा फालूदा। तो बाबा फालूदा अभी भी वही टेस्ट देता है जो अपने को पहले देता है? टेस्ट जो खाया था हाँ। वही टेस्ट इधर एज इट इज है, मतलब किसी भी आउटलेट पे हम खाएंगे टेस्ट अपने को सेम मिलेगा। और आपको पता है अभी बाबा फालूदा अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में भी ओपन होने जा रहा है, तो अगर आपके लिंक में कोई लोग लंदन में है तो आप उन्हें ये खुशखबरी जरूर दीजिए कि बाबा फालूदा लंदन में भी ओपन हो रहा है। और आप लोगों को आज का बाबा फालूदा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, तो माशाल्लाह क्या बात है। तो माशाल्लाह इरफान भाई बहुत अच्छा लगा, पहले आपसे मुलाकात हुई फिर लोगों का रिव्यू लिए, सबके चेहरे पे मुस्कान थी, कोई चेंबूर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई माइकल्ला से आ रहा है। तो अल्लाह आप लोगों को और इज्जत से नवाजे, आप लोग की हलाल रोजी में अल्लाह खूब बरकत दे। और सबसे अच्छा ये लगता है कि स्टाफ जो अपने बचपने में दिख रहा था वो आज भी जुड़ा है। जो लोग मुंबई में बाबा फालूदा अभी तक नहीं ट्राई किए उनको आप क्या कहना चाहोगे कि आइए अच्छी चीज ट्राई कीजिए, आना चाहिए? अच्छी चीज के लिए तो आना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपना जो नया ब्रांच है लंदन में बहुत जल्द ओपन होने वाला है। क्या डेट है उसकी भाई? 13th of September, मतलब अभी 12-13 दिन। तो अल्लाह आपकी रोजी में खूब बरकत दे भाई, और बाबा फालूदा बस इसी तरीके से चलते रहे क्योंकि ये वो जगह है ना जहाँ से अपना बचपना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो भी बाबा फालूदा लवर्स है आज मैंने उनकी लाइफ जर्नी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाने की कोशिश की, और मैं उन खुश नसीब यूट्यूबर्स में से जो डायरेक्ट ओनर से बात कर रहे भाई कैसी जर्नी थी, क्या लोगों का रिव्यू हमने लिया, आप लोगों को बाबा फालूदा कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।